विपिन रावत के निधन से देश में शोक की लहर। राजनेताओं ने दी श्रद्धांजलि। कई जगह पर शोक सभा का किया गया आयोजन। सीएम धामी ने भी विपिन रावत को दी श्रद्धांजलि। 3 दिवसीय राजकीय शोक की गई घोषणा। दिल्ली पहुंचे सीएम धामी। उत्तराखंड में शीतकालीन सत्र आज से हुआ शुरू। जनरल विपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। श्रद्धांजलि के बाद सदन का किया गया स्थगित। ऋषिकेश में कॉलोनी वासियों ने तेज किया आंदोलन। कृष्णा नगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की मांग। 25 दिसंबर से दी आमरण अनशन की चेतावनी। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अलविदा राष्ट्र रक्षक। जी हां, सीडीएस जनरल विपिन रावत के युद्ध कौशल से चीन और पाकिस्तान भी घबराते थे। आज वो हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी बहादुरी के किस्से सदियों तक लोगों के जहन में रहेंगे। विपिन रावत के गृह राज्य में उत्तराखंड में हर कोई दुखी था। शोक सभाओं का दौर जारी रहा। ऐसे में गरबा से भी कई इलाकों में बाजार गढ़वाल में बंद रखे गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी मंत्री, विधायकों और राजनीतिक दलों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस दौरान लोग भावुक दिखाई दिए। सीडीएस रावत के निधन को राज्य और देश की बड़ी क्षति करार दिया गया है। देहरादून स्थित प्रदेश बीजेपी कार्यालय में भी श्रीनगर, गढ़वाल विश्वविद्यालय, कोटद्वार, उत्तरकाशी और पौड़ी सहित पूरे राज्य में सीडीएस स्वर्गीय विपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। उनके पैतृक गांव में भी शोक सभा का आयोजन किया गया, जहां आसपास के गांव के लोग भी वहां पर पहुंचे। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 4 तस्वीरें देख सकते हैं, चमोली, नैनीताल, पौड़ी और हरिद्वार की, किस तरह से पूरे उत्तराखंड में इस तरह का जो है नज़ारा इस समय देखने के लिए मिल रहा है। हर किसी की आंखें आज नम हैं और उत्तराखंड में जगह जगह पर ये शोक सभाओं का आयोजन किया गया और हर कोई नम आंखों से विपिन रावत को श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आया। देखिए, आज बहुत दुख का समय है, जब हमारे सीडीएस रिटायर्ड जनरल श्री बिपिन सिंह रावत जी हम सब के बीच नहीं रहे। वे हमारे उत्तराखंड के नहीं वरन पूरे देश के एक बहुत अनमोल रत्न थे। उनकी देश के प्रति जो सेवा और जो निष्ठा रही है, उसको अब आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी और उनसे बहुत कुछ सीखने को भी हमें मिला है। मेरा तो आज से 3 साल पहले एक बार हमारे बिपिन जी जब जनरल हुआ करते थे देश के आर्मी के, तब उत्तराखंड में मेरा उनसे मिलना भी हुआ था। जब वो हमारे मुख्यमंत्री आवास में कार्यक्रम था, तब मेरा उनसे मिलना भी हुआ था। तब उन्होंने सिर्फ 15 सेकंड मुझसे बात करी, बट एक लाइन जो उन्होंने बोली कि अपने पास्ट की ना सोचते हुए आगे आपको देश को किस तरीके से आगे बढ़ाना है, आप देश के लिए क्या कर सकते हो, ये सोचते हुए आपको चलना है। हम तो इन्हीं बातों की उनको आगे हमें किस तरह से अपने आगे जीवन में बढ़ना है, क्या हमें करना है, ये उनकी बातें हमें सोच सोच के याद आती रहेंगी। और देश का युवा, देश की जो अगली पीढ़ी है, वो उनकी सेवा समर्पण को हमेशा याद करता रहेगा। वो उत्तराखंड के एक जाबाज सेना अफसर तो थे ही, परंतु पूरे देश में जिस तरह से उनकी सेवा रही, वो हमेशा यादगार रहेगी। सीडीएस विपिन रावत जी का आकस्मिक निधन से पूरा देश दुखी है। विपिन रावत जी ने कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में सर्जिकल स्ट्राइक, चीन बॉर्डर पर सेनाओं को मुंहतोड़ जवाब दिया। उनके निधन से देश के लिए एक बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति। मैंने जब से टीवी चैनलों में ये खबर सुनी, तब से मैं बहुत सदमे में हूँ, आघात लगा मुझे। हमने अपने एक ऐसे होनहार देश के लाल को खोया है, जो पूरे विश्व के 4th नंबर सेना के चीफ थे। उत्तराखंड के नहीं, पूरे देश, पूरे हमारे भारतवर्ष के लिए एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई आने वाले कई वर्षों तक होना नामुमकिन है। मैं उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और अन्य जो भी आर्मी के जवान थे, उनके प्रति अपने और अपने पार्टी के और अपने परिवार के ओर से शोक संवेदना व्यक्त करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं,
ऐसे दुख की घड़ी में उनके परिवारों को दुख सहने की असीम शक्ति दे। कल जैसे ही समाचार मिला कि जनरल बिपिन रावत का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, तो पहाड़ में एक चिंता की लहर फैल गई और तमाम लोग भगवान बद्री विशाल, भगवान केदारनाथ से जनरल बिपिन रावत के सुरक्षित होने के लिए प्रार्थना करने लगे। परंतु दुर्भाग्य से शायद संभवतः नीति को ऐसा मंजूर नहीं था। देर शाम जनरल बिपिन रावत के दुखद निधन का समाचार मिला और उनके साथ उनकी पत्नी और वरिष्ठ सैन्य सहयोगी भी थे, जिससे पूरा क्षेत्र, यहाँ का जो सैन्य बाहुल क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी का परिवार अत्यंत शोकाकुल है। इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी राजनीतिक कार्यक्रमों को अगले 3 दिनों के लिए स्थगित कर दिया। आज विकासखंड कार्यालय में एक शोक सभा का आयोजन कर पूर्व सैनिकों ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनरल को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। शोक की लहर दौड़ रही है और शोक में डूबा हुआ पूरा देश इस समय नजर आ रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में ही CDS बिपिन रावत का जन्म हुआ था, तो उत्तराखंड में भी इस समय लोगों की आंखें नम नजर आ रही हैं और हर कोई श्रद्धांजलि उन्हें दे रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ सुभाष गौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, जिस तरह से कल ये हर किसी के सामने खबर आई कि CDS बिपिन रावत अब नहीं रहे, यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था और इसीलिए उत्तराखंड के लोगों को भी कहीं ना कहीं यकीन कर पाना मुश्किल हो पा रहा है। सुभाष, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल, आपकी आवाज मिल पा रही है। सुभाष, आज देखिए उत्तराखंड में कई जिलों से ऐसी तस्वीरें आई कि जहां पर शोक सभाओं का आयोजन किया गया, हर कोई नम आंखों से आज CDS बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दे रहा है। जी बिल्कुल, ना केवल उत्तराखंड बल्कि पूरा देश श्रद्धांजलि आज मना रहा है। जिस तरीके से कल एक बड़े सबसे बड़ी चीज थी उत्तराखंड का विधानसभा सत्र की शुरुआत भी आज उनकी श्रद्धांजलि के तौर पर की, जहाँ खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम विधायक और मंत्रीगण ने उन्हें सदन के भीतर भी श्रद्धांजलि दी और इसके साथ ही विपक्ष तमाम जो नेता है, विपक्ष कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, उसके अलावा आंदोलनकारियों की बात करें तो सभी लोगों ने आज उन्हें श्रद्धांजलि के तौर पर फूल अर्पित, सभी लोगों को याद कर रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उनका जन्म उत्तराखंड में हुआ, उसके बाद उनकी पढ़ाई बिहारी में हुई है, उत्तराखंड से बहुत ज्यादा लगाव उनको था और कहा जा सकता है कि वो देहरादून में अपने ये एक घर का निर्माण भी कर रहे थे और अपने जो पैतृक गांव है पौड़ी में, वो चाहते थे कि मैं रिटायरमेंट के बाद अपने गांव में रह, अपने गांव में खेती करूं, लोगों को यहाँ आर्मी में जाने के लिए ट्रेनिंग दो, लोगों को बताऊं कि आखिरकार देश के लिए किस तरीके से काम किया जाता है, प्रदेश के लिए किस तरीके से काम किया जाता है। कुल मिला के कहा जा सकता है कि वो चाहते थे कि वो देश के लिए नहीं बल्कि उत्तराखंड के लिए बहुत कुछ करें और यही कारण था कि वो रिटायरमेंट के बाद उत्तराखंड में बसना चाहते थे, अपने गाँव में बसना चाहते थे। बिल्कुल सुभाष, और कहीं ना कहीं दुख की ये घड़ी हर किसी के लिए है, सिर्फ उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं, देश के लोगों के लिए भी दुख की घड़ी है, क्योंकि विपिन रावत जिस तरह से काम करते थे, युवाओं में भी काफी इंस्पिरेशन उनकी थी। तो ऐसे में अगर सुभाष बात की जाए तो देखिए उत्तराखंड जो है वो वीरों की धरती रही है, कई सारे मतलब लगभग कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर घर से कोई ना कोई शख्स जो है वो सेना में भर्ती होता है। बिल्कुल, क्योंकि उत्तराखंड में सैनिकों का प्रदेश इसको कहा जाता है और कहा जा सकता है कि हर एक परिवार का एक युवा है वो इस समय भारत सेना में अपना योगदान दे रहा, भारत सेना में शामिल है और कुल मिला के कहा जा सकता है कि बहुत अधिक संख्या में उत्तराखंड के जो नौजवान है वो भारतीय सेना में इस समय कार्य कर रहे हैं और विपिन रावत ने कहा जा सकता है कि इस तरीके से उन युवाओं में जोश भरते थे, जो युवा स्कूलों में पढ़ते थे, चाहे वो स्पोर्ट्स में अच्छे हों, किसी और एक्टिविटी में अच्छे हो, तो उनको प्रतिभा को निखारते थे और कहते थे कि उनको आगे बढ़ते तरीके की काम करने चाहिए, क्योंकि वो तरीके तो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड में उनका एक अलग प्रेम था और वो प्रेम नजर भी आता था। लेकिन बड़ी चीज है कि बड़ी क्षति पूरे देश को हुई है, ना केवल देश को, बड़ी उत्तराखंड के तमाम जो लोग थे उम्मीद कर रहे थे
आने वाले समय में विपिन रावत उनके लिए एक बड़ा मैसेज दे जी चलिए ठीक है सुभाष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी शोक की लहर देखी जा सकती है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि पूरी तरह से उत्तराखंड में लोग इस समय दुखी हैं, नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कई जगह पर शोक सभाएं भी आयोजित की गई। साथ ही आपको बता दें कि कल उत्तराखंड में ही बिपिन रावत के पैतृक गाँव में ही उनका अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन पर गहरा दुख जताया है। प्रदेश में 3 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की है। जनरल रावत के निधन पर प्रदेश में 9 से 11 दिसंबर तक 3 दिवसीय ये राजकीय शोक रहेगा। मुख्यमंत्री ने रावत के निधन को देश के लिए पुण्य क्षति भी बताया है और कहा कि उत्तराखंड को अपने सपूत पर हमेशा गर्व रहेगा। शोक संदेश में धामी ने जनरल रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और कई लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख जताते हुए दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना भी की। उन्होंने ईश्वर से शोक संतप्त परिजनों को ये दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की भी प्रार्थना की है। जनरल बिपिन रावत जी के जाने से उनकी मृत्यु का जैसे ही संदेश मिला है, सारे उत्तराखंडवासी, पूरे भारतवासी सब बहुत दुखी हैं। उनका जाना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी क्षति है जिसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। और उन्होंने एक, मैं व्यक्तिगत रूप से भी, क्योंकि उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है, साथ ही साथ भारत के साथ उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक सैनिक पुत्र होने के नाते हमेशा उनके अंदर इतनी सादगी, सरलता थी कि हमेशा वो मेरा मार्गदर्शन करते रहते थे। अभी कुछ दिनों के अंतराल में ही मुझे उनके साथ मेरे पिताजी की जो रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट के सेंटर में उनके साथ जाना था, लेकिन बीच में ही नियति को कुछ और मंजूर था। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। आज पहले दिन सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देने के बाद सदन को स्थगित कर दिया गया। इस कड़ी में शीतकालीन सत्र के प्रथम दिवस पर आज सदन में प्रवेश करने से पहले उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अन्य मंत्री विधायकों ने जनरल बिपिन रावत को की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और इसके अलावा सत्र की अवधि 1 दिन और बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि 2 दिन चलने वाला सत्र अब 11 दिसंबर तक चलेगा और ऐसे में पहले सत्र जो है 9 से 10 दिसंबर यानी कि 2 दिन चलने की अवधि उसकी रखी गई थी, लेकिन आज श्रद्धांजलि देने के बाद सत्र को स्थगित कर दिया गया और 1 दिन सत्र की अवधि को और ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना का कार्य सिवई में बीते कई दिनों से ठप पड़ा हुआ है। इसके पीछे की वजह यह है कि कंपनी के नियमों का पालन न करने पर कार्यदायी एजेंसी DBL की तरफ से यहां काम करने वाले 18 लोगों को अनुशासनहीनता के चलते निष्कासित कर दिया गया है, जिस वजह से सभी श्रमिकों ने कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने वाले लोगों का कहना है कि कंपनी की तरफ से उनका शोषण किया जा रहा है, उन्हें बेवजह बिना किसी नोटिस के नौकरी से निकाल दिया गया है। वहीं कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि रेल प्रभावितों को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया गया है, लेकिन ये लोग कंपनी के नियमों के तहत कार्य नहीं करते हैं, लिहाजा अनुशासनहीनता में 18 लोगों का निष्कासन किया गया है और इनकी जगह पर नए लोगों को रोजगार दिया जाएगा।
अपने अधिकारों की बात करने पे कुछ वर्करों को निष्कासित कर दिया है, कंपनी ने हटा दिया है अपने काम से, तो हम चाहते हैं उन बंदों को दोबारा काम पे रख करके, जो 18 बंदे हैं दोबारा काम पे रख करके कंपनी अपना 8 घंटे का काम शुरू करे। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे क्या करेंगे आप? मांगे नहीं मानी गई तो हड़ताल इसी प्रकार जारी रहेगी, सारे वर्कर समर्थन में हैं। ये जो कंपनी ने अपनी तानाशाही दिखाई है इसका सब विरोध करते हैं और हमारी हड़ताल इसी प्रकार जारी रहेगी। हमारी मांग यही है कि हमारे कंपनी ने तानाशाही करके, जैसे हमने अधिकारी बने थे हमारे, तो इसी पे इन्होंने हमारे बंदे 18 बंदे रजिस्ट्रेशन मतलब टर्मिनेशन निकाल दिए, लेटर निकाल दिए इनको। और यही मांग है हमारी फर्स्ट की, 18 को पहले कंपनी में मतलब ज्वाइन की जाए और उसके बाद हमारी जो मांग है 12 घंटे ड्यूटी ले रहे हैं और 8 घंटे का वेतन दे रही है, तो ये भी हमारी मांग है कि जो अगर 12 घंटे अगर मतलब ड्यूटी दे रहे हैं हम, तो 12 घंटे का वेतन मिलना चाहिए। अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई तो क्या करेंगे? तो इसी प्रकार हमारी ये चली रही थी। उत्तरकाशी के उपला टेक्नोर के सभी किसानों की तरफ से एक बैठक की गई। बैठक में किसानों ने कहा कि सरकार की तरफ से हमें जो फसल बीमा मिलना था वो हमें नहीं मिल पाया। अगर हमें फसल बीमा 15 तारीख तक नहीं मिलती है तो हम जिला मुख्यालय में ढोल धमो के साथ सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। उपला टेक्नोर में हरसिल क्षेत्र के सभी किसानों ने एक बैठक की है और बैठक का मेन मकसद था कि जो फसल बीमा हमें मिलना था वो अभी तक नहीं मिल पाया है, तो यदि ये फसल बीमा हमारा 15 तारीख तक नहीं मिलता है तो हम जिस प्रकार से हमने एक एप्पल फेस्टिवल का विरोध किया था कोल्ड स्टोर के संबंध में, उसी प्रकार हम एक विरोध अपना दर्ज करेंगे और ढोल धमाल लेके हम जो है देहरादून तक पहुंचेंगे और इसमें हमारे पूरे उत्तरकाशी ज़िले के किसान साथ देंगे, क्योंकि ये अभी तक जो है उत्तरकाशी का किसी पूरे ज़िले का जो है क्लेम हमारा नहीं पहुंचा है। तो मेरी माननीय उद्यान मंत्री जी से अनुरोध है कि आप उत्तरकाशी ज़िले का बीमा जो है जल्दी से रिलीज़ कर दें। ऋषिकेश में IDPL की कृष्णा नगर कॉलोनी को नगर निगम में शामिल करने की मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। ऐसे में त्रिवेणी घाट स्थित गांधी स्तंभ पर सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे कॉलोनी के निवासियों ने अपने आंदोलन को तेज करने का निर्णय ले लिया है। कॉलोनी के निवासियों ने 15 दिसंबर को रैली और 16 दिसंबर से क्रमिक अनशन और 25 दिसंबर से आमरण अनशन करने की चेतावनी दी है। बुधवार को धरना स्थल पर एक सभा का आयोजन किया गया था जिसमें कृष्णा नगर कॉलोनी के निवासी और आंदोलन का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर BN तिवारी ने बताया कि 2 महीने से ज्यादा का समय धरना प्रदर्शन करते हुए हो चुका है, बावजूद इसके अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि और अधिकारी ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया है। देखिए, इतना सरकार निष्क्रियता अपनाएगी हमने सोचा नहीं था, लेकिन वो चाहते हैं वही जो किसानों का आंदोलन चला, जो केदारनाथ में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी को और मंत्रियों को धक्के देकर भगाया गया, मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, ये उग्र आंदोलन नहीं चाहते। मैं उग्र आंदोलन तो नहीं कर सकता, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, हमारे साथ गरीब लोग हैं, लेकिन हम अपनी रैली को निकालेंगे 15 दिसंबर को और हम अपनी उपस्थिति जो सरकार तक शायद नहीं पहुँच पा रही है उसको उपस्थित दर्ज कराने की कोशिश करूँगा। दूसरी बात है, उसके रैली से भी पहले मैं एक सर्वदलीय बैठक बुलाऊँगा, सबसे निवेदन करूंगा, अपनी मांग के लिए सबसे समर्थन मांगूंगा। अगर सब लोग तैयार होंगे तो 15 अगस्त की रैली को, 15 दिसंबर की रैली को हम लोग उसको अमलीजामा पहनाएंगे। उसके बाद 16 दिसंबर से हम लोग का क्रमिक अनशन शुरू हो जाएगा। 25 दिसंबर से अगर सब कुछ ऐसे चलता रहा, सरकार फिर भी नहीं झुकी, तो हम लोग आमरण अनशन करने पर भी तैयार हैं और बाध्य हैं, मजबूर हैं हम लोग। ऋषिकेश के IDPL चौकी क्षेत्र के अंतर्गत लेबर कॉलोनी के पास जंगल में एक युवती का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल युवती की शिनाख्त नहीं हो पाई है, वहीं पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ये अज्ञात युवती है, करीब 25 साल के आसपास इसकी एज है, अभी इसकी बॉडी प्राप्त हुई है, मिली है, यहाँ पे पहचान नहीं हो पाई है, पहचान कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया इंस्पेक्टर साहब क्या लग रहा है? देखिए, अभी ऐसा कोई जाहिरा चोट तो नज़र नहीं आ रही है,
पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फोरेंसिक टीम के आने के बाद ही क्लियर हो पाएगा क्या स्थिति। हरिद्वार के सिडकुल थाना क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत शरद महोत्सव मेले का आयोजन हुआ, जिसमें अजब गजब जादू गर्नी के नाम पर अश्लील ठुमके लगे। वहीं इस अश्लील ठुमके पर लोगों की तरफ से जमकर पैसे भी लुटाए जा रहे थे। इस दौरान लोगों में कोरोना का डर भी नहीं था, लोगों ने जमकर कोविड गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई। रानीपुर विधायक आदेश चौहान ने होल्डिंग बोर्ड पर दो गज की दूरी मास्क जरूरी लिखा होने के बावजूद भी कोविड-19 नियमों का पालन नहीं किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अश्लील ठुमके इस मेले में लगवाए गए। रुड़की के रामपुर रोड पर इस्लाम नगर में पिछले 2 साल से अवैध रूप से लग रहे पीठ बाजार को प्रशासन की टीम ने बलपूर्वक हटवाया और आगे से बाजार न लगाने की चेतावनी भी दुकानदारों को दी। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से रुड़की में लगने वाले बुद्ध बाजार की तर्ज पर रामपुर रोड पर भी जुमेरात बाजार के नाम से इसी बड़ी पीठ लगाई जाने लगी थी। वहीं इसी पीठ बाजार के नाम पर नगर निगम सहित कई विभाग के कर्मचारी अपनी रोटियां भी सेक रहे थे, पर जॉइंट मजिस्ट्रेट के आदेश पर रुड़की तहसीलदार की अगुवाई में नगर निगम की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दुकानदारों को अवगत कराया कि ये बाजार अनैतिक रूप से लगाया गया है, इसे हटा दिया जाए। पर दुकानदारों ने जब कोई असर उन पर नहीं पड़ा तो पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, जिसके बाद बाजार को हटाया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।